हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओरिजिनल कॉर्ड्स विद तारिक खान। आज जो सॉन्ग हम प्ले करने जा रहे हैं उसका टाइटल है मौला बाय जुनैद जमशेद वाइटल साइंस, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैंड ऑफ पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री। बहुत ही कमाल का गाना है ये। बेसिकली ये एक पैट्रियाटिक सॉन्ग है और 1999 में ये रिलीज़ हुआ था, किसी एल्बम में रिलीज़ नहीं किया था, सिंगल गाना रिलीज़ हुआ था ये, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इसको जुनैद जमशेद साहब ने गाया था। सो फ्रेंड्स, इसकी मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी, इस वजह से मैं इसका लेसन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाने के स्केल की। गाने का जो स्केल है वो है एफ शार्प मेजर। तो गाने का स्केल जब एफ शार्प मेजर है तो इसकी पहली कॉर्ड भी एफ शार्प मेजर ही होगी। बेसिकली इस गाने में तीन कॉर्ड्स हैं और तीनों कॉर्ड्स जो हैं वो मेजर पोजिशन पर हैं, और हमने जिस अंदाज में अप्लाई करनी है वो इस तरह से है। तो पहली कॉर्ड है इस गाने की एफ शार्प मेजर। Now second chord is E major and last one third is B major। ये तीन chords इस पूरे गाने में चली हैं। जो B major आप लोग apply करेंगे, मेरी suggestion यही होगी आप लोगों को कि अगर आप इसको bar chord की जगह power chord में play करें। जिनको नहीं पता कि power chord किस तरीके से play होती है तो उनको मैं बता दूं कि जो हमारी index finger होगी वो fifth string से second fret पर होगी press, और जो हमारी थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रिंग है उसको हमने फोर्थ फ्रेट पर, जो हमारी रिंग और पिंकी फिंगर है उससे हमने प्रेस करना होगा, और बाकी स्ट्रिंग्स हमारी ओपन होंगी। अगर आप इसको म्यूट कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग को इंडेक्स फिंगर से तो भी एक अच्छा साउंड बनेगा। इस तरह से म्यूट करना है हमने इसको, प्रेस नहीं करना। प्रेस करेंगे तो इस तरीके से साउंड आएगा, और म्यूट में ये दोनों स्ट्रिंग्स प्ले नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ ये तीन स्ट्रिंग प्ले होंगी, एक फाइव, एक फोर और एक थ्री। तो फ्रेंड्स, गाना जो स्टार्ट होता है वो इस अंदाज में है। बरसे है ये इंतजार, पाकिस्तान तूने है दिया,
जमीन पर जन्नत दे बना ओ मौला ओ तेरा करम मौला ओ तेरा करम मौला मौला सो फ्रेंड्स ये कंप्लीट सॉन्ग हो गया. बेसिकली ये सॉन्ग सेम एक ही लूप पर चला है और ज़्यादा इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है कॉर्ड्स वगैरह में. हाँ स्ट्रमिंग पैटर्न जो है वो थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर आप फोकस करेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा. या अपनी मर्जी से आप कोई भी स्ट्रमिंग पैटर्न चूज़ कर सकते हैं, नो इशू. लेकिन मैं जो प्ले कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँगा किस अंदाज में प्ले कर रहा हूँ. बेसिकली मैं इस तरह से प्ले कर रहा हूँ. प्ले कर दिखाता हूं आपको. डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप. पूरे गाने में जो कोरस पार्ट है इसके और बाकी के जो पार्ट्स हैं म्यूजिक पार्ट उसमें मैंने यही प्ले किया है. बाकी अगर किसी जगह म्यूट पार्ट आ रहा है तो आप म्यूट खुद से प्ले कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं आप अपनी फिंगर्स को जो है वो. जब आप स्ट्रोक प्ले कर रहे हैं तो बार को जो फिंगर्स हैं उनको फुल प्रेस करेंगे और जब म्यूट पार्ट करेंगे तो उनको हल्का सा रिलीज़ कर देंगे ताकि स्ट्रिंग्स जो हैं वो म्यूट हो जाएं. अब देख लें मैंने कहाँ पर म्यूट किया है, गौर से देखिएगा इसको. मैंने सिर्फ दो स्ट्रोक जो डाउन के हैं, डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप, उसमें मैंने जो डाउन स्ट्रोक हैं सिर्फ वो प्ले किए हैं, बाकी मैंने म्यूट पार्ट ही रखा है. बाकी एंड में जो मैंने इसी कॉर्ड के ऊपर एफ शार्प मेजर के ऊपर जो मैंने एंड वाला अप स्ट्रोक प्ले किया है वो प्ले किया है. डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप. इसके अलावा जो इसका ये तो कोरस पार्ट का हो गया और जो हमारा जो इसके वर्सेस आते हैं वर्सेस में जो मैंने प्ले किया है वो इस तरह से प्ले किया है. डाउन 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 अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप. Thank you.
सिर्फ आपकी लूपिंग परफेक्ट होनी चाहिए, इसके अलावा जो कॉर्ड्स हैं वो एक्चुअल होनी चाहिए और लिरिक्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। अदरवाइज़ स्ट्रमिंग पैटर्न कुछ भी हो उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ लोग स्ट्रमिंग पैटर्न नहीं जानते तो वो तो सिंपल स्मूथ स्ट्रिंग्स को नीचे अप टू डाउन लेकर जा रहे होते हैं। तो यह है कि उनकी आवाज़ अच्छी है, उनका गाना अच्छा है, उनको लिरिक्स याद हैं और जो भी है वो प्ले जिस अंदाज़ में कर रहे हैं, जिस अंदाज़ में वो गा रहे हैं, ऑडियंस उनको सुनती है और लाइक भी करती है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि स्ट्रमिंग पैटर्न की तरफ ज़्यादा अपने आप को फोकस मत करा करें, जो गाना है उसकी कॉर्ड्स हैं उसको ध्यान में रखें और इसके अलावा जो अपनी लिसनिंग पावर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये एक एडवाइस है आप लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था जुनेद जमशेद के सॉन्ग मौला का कंप्लीट गिटार लेसन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। सो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। इसके अलावा नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी सॉन्ग की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो। इस वीडियो के मुतालिक या मेरी और कोई भी वीडियो के मुतालिक आप लोगों को कोई सवाल हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक मौजूद है, उनको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ हों उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुँच जाएँ। इस वीडियो को और मेरी तमाम वीडियोज़ को उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो गिटार प्ले करना चाहते हैं या फिर जो गिटार प्ले करना जानते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, स्टे ब्लेस्ड।